सकते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, 13 जनवरी गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती का पावन पर्व है। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म पटना में हुआ। जीवन के अधिकांश समय तक उनकी कर्मभूमि उत्तर भारत रही और महाराष्ट्र के नांदेड़ में उन्होंने अपने प्राण त्यागे। जन्मभूमि पटना में, कर्मभूमि उत्तर भारत में और जीवन का अंतिम क्षण नांदेड़ में, एक तरह से कहा जाए तो पूरे भारतवर्ष को उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ। उनके जीवन काल को देखें तो उसमें पूरे भारत की झलक मिलती है। अपने पिता से गुरु तेग बहादुर जी के शहीद होने के बाद गुरु गोविंद सिंह जी ने 9 साल की अल्पायु में ही गुरु का पद प्राप्त किया। गुरु गोविंद सिंह जी को न्याय की लड़ाई लड़ने का साहस सिख गुरुओं से विरासत में मिला। वे शांत और सरल व्यक्तित्व के धनी थे, लेकिन जब जब गरीबों और कमजोरों की आवाज़ को दबाने का प्रयास किया गया, उनके साथ अन्याय किया गया, तब तब गुरु गोविंद सिंह जी ने गरीबों और कमजोरों के लिए अपनी आवाज़ दृढ़ता के साथ बुलंद की। और इसलिए कहते हैं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, चिड़ियों से मैं बात तड़ाऊं, तबे गोविंद सिंह नाम कहाऊं। वे कहा करते थे कि कमजोर तबकों से लड़कर कभी ताकत का प्रदर्शन नहीं किया जा सकता। श्री गुरु गोविंद सिंह जी मानते थे कि सबसे बड़ी सेवा है मानवीय दुखों को दूर करना। वीरता, शौर्य, त्याग, धर्म परायणता से भरे हुए दिव्य पुरुष थे, जिनको शस्त्र और शास्त्र दोनों का ही अलौकिक ज्ञान था। वे एक तीरंदाज तो थे ही, इसके साथ साथ गुरुमुखी, ब्रजभाषा, संस्कृत, फारसी, हिंदी और उर्दू सहित कई भाषाओं के भी ज्ञाता थे। मैं एक बार फिर से श्री गुरु गोविंद सिंह जी को नमन करता हूँ।